हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। मैं हूँ गीता निरुचि गीताज ऑनलाइन टिप्स। सो गाइस, आज जो जॉब वैकेंसीज मैं आपके सामने शेयर करने जा रही हूँ वो रिलेटेड है फार्माकोविजिलेंस एसोसिएट की प्रोफाइल पे या फिर क्लिनिकल रिसर्चर की प्रोफाइल आपको यहाँ पे दी जाएगी। सो गाइस, जिस कंपनी में वैकेंसीज निकली हुई है, जैसे कि हमने थंबनेल में भी देखा था, TCS कंपनी में जॉब वैकेंसीज निकली हुई हैं। इससे पहले भी गाइस मैंने काफ़ी सारी मल्टीनेशनल कंपनी की, विप्रो की, इससे अलावा काफ़ी सारी फार्मा कंपनी पे फार्माकोविजिलेंस से रिलेटेड या फिर जो मेडिकल से रिलेटेड काफ़ी सारी जॉब वैकेंसीज शेयर किए। काफ़ी लोगों ने वहाँ पे इंटरव्यू दिए हैं, काफी लोगों का वहाँ पे सिलेक्शन भी हुआ है, कुछ लोग वहाँ पे काम भी कर रहे हैं। विप्रो में भी काफी लोगों का गाइस सिलेक्शन हुआ है, उनके लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, उनको भी जाके आप चेक कर सकते हैं। सो गाइस, मेरा कहने का मतलब है गाइस, जैसे कि मैंने वीडियो काफी यूट्यूब पे देखा है कि फार्माकोविजिलेंस की जॉब वैकेंसी बहुत कम लोग शेयर करते हैं, तो मतलब मैं ये नहीं कह रही कि सिर्फ मैं ही कर रही हूँ, मतलब मैं एक बात बता रही हूँ कि तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं हर डोमेन में, या वो फार्मा से रिलेटेड हो, HR से रिलेटेड हो, सेल्स से रिलेटेड हो, मेडिकल बैकग्राउंड से रिलेटेड हो, कोशिश करती हूँ हर तरह की जॉब वैकेंसीज मैं आपके सामने शेयर कर सकूँ, ठीक है ना। सो ये जो जॉब वैकेंसीज हैं ये TCS कंपनी में निकली हुई हैं। जो भी फार्मा बैकग्राउंड से हैं, मेडिकल बैकग्राउंड से हैं, तो वो अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। वो मैं आपको बता दूंगी क्या क्या क्वालिफिकेशन या क्या डिग्री यहाँ पे रिक्वायर्ड है, ठीक है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं गाइज यहाँ पे, जैसे कि अगर आप जानना चाहते हैं, देखिए मैं यहाँ पे बहुत शॉर्ट में चीज़ें बताऊंगी, क्योंकि मैंने इससे पहले जो है फार्माकोविजिलेंस की पूरी जॉब प्रोफाइल मेरे अपनी अदर वीडियो में मैंने मेंशन की हुई है, तो आप वहाँ पे जाके क्लिक करके एक बार देख लेना कि फार्माकोविजिलेंस की क्या जॉब होती है। गूगल पे क्लिक करके आप जान सकते हैं, इवन अगर आप फार्मा बैकग्राउंड से हैं तो आपको पता ही होगा कि एज ए फार्माकोविजिलेंस आपको यहाँ पे क्या काम करना होता है, ठीक है। सो गाइस, अगर बात करें कि यहाँ पे कौन अप्लाई कर सकता है, देखिए अगर आप फ्रेशर हैं, एक्सपीरियंस हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप बात करें यहाँ पे क्वालिफिकेशन की, तो देखिए क्वालिफिकेशन में अगर आप फार्मा बैकग्राउंड से हैं, बायोटेक से हैं, आपने कोई भी लाइफ साइंस में डिग्री ली हुई है, तो अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए इन्होंने डिग्री क्या क्या मेंशन की हुई है, आपने बी फार्मा किया हुआ है, एम फार्मा किया हुआ है, डी फार्मा किया हुआ है, यूजी पीजी किया हुआ है लाइफ साइंस में, तो अप्लाई कर सकते हैं। बायोटेक किया हुआ है या फिर किसी भी मेडिकल बैकग्राउंड से हैं, तो गाइज यू कैन अप्लाई हेयर, ठीक है। किस लोकेशन के लिए जॉब वैकेंसीज निकली हुई हैं, कोलकाता लोकेशन के लिए वैकेंसीज निकली हुई हैं, हैदराबाद के लिए निकली हुई हैं, बेंगलुरु के लिए निकली हुई हैं, मुंबई के लिए, पुणे और दिल्ली के लिए वैकेंसीज निकली हुई हैं, ये लोग अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आपको यहाँ पे रिलोकेट होना पड़ेगा। तो इसके अलावा अगर बात करें यहाँ पे सैलरी की, तो देखिए सैलरी यहाँ पे पैकेज कितना प्रोवाइड किया जा रहा है, 3.5 से लेके 5.5 लाख पर एनम आपको यहाँ पैकेज प्रोवाइड किया जाएगा। आप आइडिया लगा सकते हैं कि आपको 30-35 से लेके 50-55 तक की यहाँ पे सैलरी प्रोवाइड की जाएगी, एंड इट विल डिपेंड योर इंटरव्यू कि आपको नॉलेज कैसी है, आपको एक्सपीरियंस है या फ्रेशर है, ये सब चीज़ें आपका सैलरी डिसाइड करने में हेल्प करेंगी, ठीक है। सो गाइस, अब यहाँ पे देखिए अप्लाई कैसे करना है। ये जो जॉब वैकेंसीज हैं, TCS का जो है करियर जो लिंक है, लिंक्डइन उसका, टेलीग्राम का, वहाँ पे इन्होंने वैकेंसीज डाली हुई हैं। मैं डायरेक्ट एप्लीकेशन का फॉर्म का लिंक आपको दे दूंगी, उसको फिल करके आपको अप्लाई करना है, या फिर डायरेक्ट भी जाके टेलीग्राम पे यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि क्या किस टाइप की वैकेंसीज हैं और कैसे इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, अगर चेक करना चाहते हैं तो, ठीक है। सो गाइस, एप्लीकेशन पे लिंक पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, तो उसमें बेसिक सी डिटेल्स आपको फिल करनी है, नेम डालना है, ईमेल आईडी डालना है, नंबर डालना है, जेंडर डालना है, एज डालनी है, एजुकेशन डालनी है, आप एक्सपीरियंस है तो आपको एक्सपीरियंस डालना है, अगर आप एक्सपीरियंस नहीं है तो आपको फ्रेशर डाल देना है, सिटी डालनी है, स्टेट डालना है, हॉबीज आपको यहाँ पे डालनी है। अब देखिए जो मेन चीज है वो मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पे आपको अपना गूगल ड्राइव का लिंक डालना है। आप गूगल ड्राइव पे जहाँ पे भी आपका रेज्यूमे होगा, उस लिंक को वहां से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देना है। जब भी इंटरव्यूअर आपका जो लिंक पे क्लिक करेंगे, तो वहां पे उनको आपका CV जो है शो करेगा, ठीक है। सो इस टाइप से आपको यहाँ पे CV का जो लिंक है वो आपको यहाँ पे डाल के सबमिट, इस फॉर्म को सबमिट कर देना है। अगर आपका फॉर्म यहाँ पे शॉर्टलिस्टेड होता है, तो आपको मेल के थ्रू या फिर कॉल से आपको यहाँ पे आपका इंटरव्यू शेड्यूल किया जाता है। कुछ इस टाइप से आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। सो गाइज, अगर ये जॉब वैकेंसीज आपको सही लगती हैं, आप फार्मा बैकग्राउंड से हैं, फार्मा से रिलेटेड कोई जॉब वैकेंसीज कर रहे हैं और काफी अच्छी कंपनी में जॉब वैकेंसीज निकली हुई हैं, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, इस फॉर्म को आप फिल कर सकते हैं। इससे पहले भी, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, काफी सारी जॉब वैकेंसीज मैंने शेयर की हैं फार्मा प्रोफाइल से रिलेटेड, उसका लिंक भी मैं आपको दे दूंगी। मे बी आपको जो जिन लोगों का वहाँ पे सिलेक्शन हुआ है, कॉमेंट्स में उन्होंने मैंशन किया, वहां से आपको थोड़ी बहुत हेल्प मिल जाए।
सो गाइज दिस इज ऑल अबाउट टूडे जॉब वैकेंसीज. अगर आप जॉब सर्च नहीं कर रहे हैं, आपको कोई फ्रेंड सर्किल इस बैकग्राउंड से है तो आप उनको भी शेयर कर सकते हैं. अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और इसी तरह से लेटेस्ट जॉब सर्च अपडेट लेना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं. और एक चीज मैं आपसे जानना चाहती हूँ गाइज, आप किस प्रोफाइल पे जॉब सर्च कर रहे हैं तो मुझे कॉमेंट में जरूर मैंशन करें. मैं कोशिश करूंगी मैं उसी डोमेन में उसी चीज से रिलेटेड आपके सामने जॉब वैकेंसीज रख सकूँ. सो गाइस दिस इज ऑल अबाउट टुडे जॉब वैकेंसीज. मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के टेक केयर.